हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस बोर्ड की वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं ये एक पैनल बोर्ड है, इसकी आज वायरिंग का बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं कैसे क्या कनेक्शन किए हैं, कौन सा वायर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चेंज ओवर है, इस ये देखिए ये दोनों तरफ ऑन है, बीच में ऑफ है। ये 63 एम्पीयर 240 वोल्ट का है, और ये नीचे दो जो वायर है जनरेटर का है, और ये जो ब्लैक वाला वायर जो देख रहे हैं ये डायरेक्ट ये सर्विस तार है, इसे ये सर्विस तार है। ये जो ब्लैक वाला वायर है ये दो फ्यूज है, ये सर्विस तार ये डायरेक्ट पोल से आया है। ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ये फेज का फ्यूज है और ये न्यूट्रल का है। तो चलिए फेज का बात करते हैं। फेज का वायर देख सकते हैं यहाँ से आके इसमें घुसा है, और ये यहाँ से आउट होते हुए इस फ्यूज में गया है, और इस फ्यूज से इन तीनों में कॉमन किए हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ तीन पाइप है, इन तीनों में तीन MC बॉक्स का वायर है। ये न्यूट्रल वायर है, ये सर्विस तार का न्यूट्रल वायर है। इसको भी देखिए चेंज ओवर में दिए हैं ऊपर तरफ, और इसको आउट करके दिए हैं फ्यूज के इस फ्यूज में, तीनों में डिवाइड किए हैं, तीनों में न्यूट्रल देखे, तीनों में देख सकते हैं नीचे तीनों में दिए हैं तार को। तो ये कंप्लीट वायरिंग है, पैनल बॉक्स वायरिंग।